रियासती हुकूमत ने हाल ही में एक फैसला लेते हुए लोकल बॉडी इंतखाबात में ओबीसी जुमरे के तहत दिए जाने वाले रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया है। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ ओबीसी समाज में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई है और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसी के तहत आज अखिल भारतीय ओबीसी महासंघ की जानिब से दफ्तर जिला कलेक्टर के अहाते में एहतजाज किया गया। ओबीसी महासंघ के जिम्मेदारान ने एक वफद की शक्ल में जिला कलेक्टर से मुलाकात किया और उन्हें एक मेमोरेंडम भी पेश किया, जिसमें रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया कि जल्द से जल्द ओबीसी रिजर्वेशन को बहाल किया जाए। बसूरत दिगर इस एहतजाजी तहरीक में मजीद शिद्दत लाने का भी इशारा दिया गया। ओबीसी जुमरे में शामिल लोगों का कहना है कि रियासती हुकूमत ने लोकल बॉडी इंतखाबात में ओबीसी जुमरे के रिजर्वेशन को ख़त्म करके बहुत बड़ी नाइंसाफी की है और इस फैसले की वजह से ओबीसी तबके के लोगों की सियासत में नुमाइंदगी कम होगी और उन्हें अपने हकूक से महरूम रहना पड़ेगा। ओबीसी संघटनेच्या वतीने आज जे राज्यव्यापी एक आंदोलन आहे, आदरणीय बबनरावजी तायवाडे, प्रकाश अण्णा सेंडगे व राज्याच्या सर्व ओबीसीच्या संघटनेच्या वतीने आज या ठिकाणी संपूर्ण जिल्हाधिकारी कार्यालय तहसील आदि या ठिकाणी राज्यव्यापी ओबीसीची या स्वतंत्र देशाला स्वतंत्र मिळून पूर्वी 1931 ओबीसीची जातनिहाय जनगणना झाली, पण या देशाला 74 वर्ष झाल्याच्या नंतर केंद्र सरकार असेल या केंद्र सरकारने कुठल्या ओबीसीची जातनिहाय जनगणना न केल्यामुळे कालच जो काही 4 मार्चला निकाल आला त्याच्या 5 जिल्ह्याच्या याच्यामध्ये समजणे काय की भविष्यात ओबीसीचे आमचे सरपंच ग्रामपंचायत सदस्य हे कुठल्याच पद्धतीत दिसणार नाही। आणि काल 5 जिल्ह्याचा निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर केला, त्या ठिकाणी समजणे काय की कोर्टामध्ये याचिका दाखल असताना कोर्टाचा निर्णय आल्याच्या नंतर ओबीसीची जातनिहाय जनगणना राज्य सरकार हा केंद्राकडे बोट दाखवतो, केंद्र हा राज्याकडे बोट दाखवतो, ओबीसीच्या असलेल्या सर्व जातीचा समूहाचा समजून येते की सत्यानाश या ठिकाणी होण्याचा राजकीय बट्ट्याबळ होण्याचा जे भूमिका आहे या संदर्भामध्ये 26 आणि 27 तारखेला लोणावळा या ठिकाणी सर्व राज्याचे आदरणीय विजय वनिटवारजी छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली एक चिंतन बैठक त्या ठिकाणी होत आहे। त्यांच्यानंतर राज्यव्यापी हा मोठा जनआंदोलन ओबीसीची जर जातनिहाय जनगणना राज्य शासनाने नाही केली तर आणि केंद्र सरकारने नाही केली तर उग्र स्वरूपाने भविष्याच्या काळामध्ये या राज्य सरकारला ओबीसीच्या सर्व संघटना सगळ्या जाती याला खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही।